खबर है जबलपुर से, जहां सियोरा में कभी नेशनल हाईवे क्रमांक 7 की पहचान रखने वाला सियोरा नगर का बस स्टैंड आज किसी अव्यवस्थित नगर की छवि दिखाता नजर आ रहा है। सियोरा नगर का पुराना बस स्टैंड, यातायात की पार्किंग व्यवस्थाएं बिल्कुल खत्म हो रही हैं। पुराने बस स्टैंड से होकर अपने कार्यालय तक जाने वाले नगर प्रशासन के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों का निकलना होता रहता है, फिर भी न जाने किस दबाव में उन्हें ये अव्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ माह पहले प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से कुछ दिनों के लिए व्यवस्थाएं सुधारी गई थी, परंतु कार्यवाही के लजीलेपन से ऑटो तथा बस चालकों की मनमानी फिर पुराने ढर्रे पर नजर आने लगी है। यहाँ बस स्टैंड की अव्यवस्थाएं ऑटो चालक बस चालकों के कारण तो है ही, फुटपाथ पर ठेले लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदार असीमित जगह का उपयोग कर रहे हैं, जबकि यही दुकानें सीमित स्थान पर व्यवस्थित लगाने लगे तो बहुत सी समस्याएं सुधर सकती हैं। बुरा तो तब लगता है जब यहाँ जिले की बात उठती है और व्यवस्थाएं किसी पिछड़ी पंचायतों की तरह दिखती हैं। सिहोरा पुलिस थाने के सामने ही बसों का अनुचित दिशाओं में ठहराव, हरदम बनती है जाम की स्थिति, पहले वाहन चेकिंग तथा हेलमेट के बहाने सिहोरा पुलिस थाने के सामने यातायात संभालते दिख जाती थी, परंतु सिहोरा में नवीन बस स्टैंड का निर्माण हुए वर्षों तो बीत गए हैं, मगर वहाँ भी अनुचित अतिक्रमण दिख रहा है। बस स्टैंड प्रांगण में ही असामाजिकता का अतिक्रमण होने से तथा साफ सफाई सुरक्षा न होने के कारण भी यात्री वहाँ नहीं रुकते। शायद नगर प्रशासन तथा पुलिस की सक्रियता नगर के यातायात को सुधार सके। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।